तो लोअर टाउन के बाजू में ही कब्रिस्तान है यहाँ पे। जैसे कि अभी हम लोग सिटी के एंड में या फिर सिटी के बाहर कब्रिस्तान होते हैं, ऐसे ही उस ज़माने में भी सिटी के एंड में ही कब्रिस्तान बनाते थे। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आज हम जिस जगह को कवर करने के लिए आए हैं वो बहुत ही स्पेशल है, बिकॉज ये जो जगह है इसका नाम है लोथल, और ये हरप्पा संस्कृति में एक सिटी हुआ करता था और 4000 साल पुराना सिटी है। ये अहमदाबाद से कुछ 80 किलोमीटर दूर है, बट अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो म्यूज़ियम है वो अभी कोरोना की वजह से बंद रखा गया है। यहाँ की जो एंट्री फीस है म्यूज़ियम के लिए वो इंडियंस के लिए 5 रुपये और फॉरेनर्स के लिए 100 रुपये। तो पीछे म्यूज़ियम है वो क्लोज है, बट जो हरप्पा संस्कृति का पूरा शहर है 4000 साल पुराना, जो अभी थोड़ी सी कंडीशन में देखने लायक, आपको पता चल जाए कौन कौन सी चीज़ें हैं वहाँ पे, वो अभी हम देख सकते हैं। तो अंदर चलते हैं। यहाँ का जो म्यूज़ियम है, यहाँ म्यूज़ियम में तांबे की वस्तु है, फिर हाथी दांत और काफ़ी सारी चीज़ें थी जो यहाँ पे जो एक्सकेवेशन जब चल रहा था तब मिली थी। वो सारी चीज़ें जो है वो म्यूज़ियम में रखी गई है, आप देख सकते हो। अभी म्यूज़ियम बंद है इसलिए हम नहीं देख पा रहे हैं। अगर आप यहाँ पे आते हो तो काफ़ी सारी पुरानी चीज़ें जो यहाँ पे मिली थी वो सब म्यूज़ियम में रखी है। तो ये जो साइट है वो 1954 में डिस्कवर की गई थी, और 1955 से लेकर 1960 तक आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट इंडिया का जो है उसने इसको पूरा एक्सकेवेट किया गया था। तो अभी जो हम फर्स्ट प्लेस विजिट करने वाले हैं वो है एक पोर्ट। जैसे ही आप अंदर एंटर करेंगे यहाँ से राइट हैंड साइड पे नीचे यहाँ पे आपको पोर्ट दिखेगा। ये जो पोर्ट, ऐसा बोला जाता है कि साबरमती जो नदी है अहमदाबाद के बाजू में उससे कनेक्ट करता था। अभी तो साबरमती काफ़ी दूर है, बट पहले के टाइम में साबरमती नदी से कनेक्ट करता था, क्योंकि ये जो सिटी है वो अपने एक्सपोर्ट के लिए जाना जाता था, जिसमें इंक्लूड है मनके, सोना, तांबा, काफ़ी सारी चीज़ें जो यहाँ से एक्सपोर्ट होती थी। और अगर ये आप डॉक देखोगे तो यहाँ से शिप है वो अंदर आती थी, और शिप यहाँ तक आके अनलोड लोड सब यहीं पे होता था, और फिर वहाँ से साबरमती नदी, और ऐसा बोला जाता था कि वेस्ट एशिया और अफ्रीका तक यहाँ से सब चीज़ें एक्सपोर्ट करी जाती थी। इंडस सिविलाइजेशन का ये जो सिटी है वो इंडिया में, मतलब गुजरात में, क्योंकि काफ़ी सारे जो सिटीज़ है जैसे कि हरप्पा संस्कृति के, मोहनजोदारो के, वो सब मोस्ट ऑफ द सिटीज़ अभी पाकिस्तान में, बहुत ही कम सिटीज़ है वो इंडिया में, और लोथल इसमें से एक है। तो ये जो सिटी है वो 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ये डोक है जो पहले मैंने आपको दिखाया, ये वाला पार्ट, उसके बाद अपर टाउन है, लोअर टाउन है, गोडाउन है, फैक्ट्री है, और लास्ट में, सिटी के लास्ट में, कब्रिस्तान भी है। तो सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डेफिनेटली कवर करेंगे। तो अभी हमने यहाँ पे सिक्योरिटी वाले से पूछा तो उसने बोला कि कोरोना की वजह से तो बंद था ही म्यूज़ियम, उसके बाद वो ओपन हो गया था, बट अब जो म्यूज़ियम बंद है वो मॉनसून के कारण थोड़ा डैमेज हो गया था, तो रिकन्स्ट्रक्ट करना पड़ेगा, बट अभी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, अभी उसका वर्क स्टार्ट भी नहीं हुआ है। तो अगर आप आ रहे हो इन नेक्स्ट 2 to 3 months तो देख लेना कि म्यूज़ियम है यहाँ पे वो बंद है। और इसके बाद ये जो है ये वेल है, पुराने ज़माने में इसको पानी भरने के लिए रखते थे, अभी भी थोड़ा पानी भरा हुआ है, अभी भी यहाँ पे थोड़ा पानी भरा हुआ है। ये जो पोर्ट है ये जो यहाँ पूरा जो पोर्ट है वो पोर्ट के एकदम ही बाजू में यहाँ पे ऊपर ये वेल है। ऐसे आई गेस ये सिटी में 2 वेल है, एक यहाँ पे है, एक अपर टाउन के बाजू में, वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाऊंगा। तो ये जो आपको स्ट्रक्चर अभी यहाँ पे दिख रहा है ये स्टोरेज स्पेस है, और ये जो पोर्ट है उसके एकदम नज़दीक में है। तो पोर्ट यहाँ पे जब शिप आती थी तो इसको अनलोड करके यहाँ पे स्टोर करते थे। अब पता नहीं, ऊपर से तो ये ढका हुआ है ऐसे, सो डोंट नो कैसे वो लोग स्टोर करते थे, पर ये काइंड ऑफ अ गोडाउन है, जो हमारे यहाँ शटर वाला गोडाउन होता है ऐसा ही इन लोगों का गोडाउन है, यहाँ पे सब चीज़ें स्टोर होती थी। सो एज यू कैन सी ये जो पूरा आपको दिख रहा है आउटर पेरीफरी में, ये पूरा दीवार मिट्टी के जो ईंट होते हैं उससे बनाया हुआ है,
तो इतने सालों तक भी ये अच्छा रहा। ये जो पोर्शन है वो अभी दिख रहा है आपको, यहाँ पे पूरा खाली है, तो आई गेस वो डैमेज हो गया होगा। ऐसा बोला जाता है कि 2 या 3 बार ये सिटी पूरा डैमेज हो चुका है। इसका रीज़न ये है कि बाजू में जो साबरमती नदी थी उसके कारण काफ़ी सारे बार यहाँ पे बाढ़ आई है, और पहली बार जब बाढ़ आई थी पूरा सिटी डैमेज हो गया था। फिर यहाँ पे रहने वालों लोगों ने 2-3 बार और सिटी बनाया, और फिर जब बार बार बाढ़ आई और सिटी ख़त्म होता गया, फिर फाइनली उन लोगों ने ये सिटी को छोड़ दिया और कहीं और रहने चले गए। हेलो गाइस, मैं आपको एक फन फैक्ट बताना चाहूँगी कि यहाँ पर जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो 90 डिग्रीज पे बने हुए हैं एज यू कैन सी, और जहाँ पर भी आप जाएंगे वहाँ पर सब 90 डिग्रीज में ही बना हुआ है। हम आपको आगे जाके और भी दिखाएंगे। तो फन फैक्ट नंबर 2 ये है कि ये जो गोडाउन यहाँ पर बना हुआ है वो ग्राउंड से 3.5 मीटर अबव बना हुआ है ताकि फ्लड प्रोटेक्शन रहे। तो ये बहुत मेन इंपॉर्टेंट चीज़ थी उस टाइम पे जो ध्यान रखी गई थी। सो ये जो स्ट्रक्चर 90 डिग्री पे बनाया गया है, ये जो 3.5 मीटर अप बनाया गया है, इससे हमें ये जानने को मिलता है कि इतने सालों पहले भी ये लोग इतना सब कुछ सोच के करते थे, क्योंकि ये फ्लड में कहीं बह ना जाए इसीलिए अब बनाया है, 90 डिग्रीज पे बनाया है। काफ़ी सारे स्ट्रक्चर्स है एक ही दीवार से बने हुए हैं, तो इंजीनियरिंग की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन प्लानिंग की गई है इस टाउन की। तो ये जो स्टोरेज एरिया है, गोदाम जिसे बोलते हैं, उसके बाद यहाँ आगे पूरा अपर टाउन है। ऐसा बोला जाता था कि अपर क्लास जो लोग होते थे इस टाइम पे, उन लोगों के लिए ये अपर टाउन बनाया गया था। और एक उसके बाद लोअर टाउन भी है जो लोअर क्लास के लोग होते हैं, जैसे कोई मजदूर है या फिर कारीगर है, उन लोगों के लिए बनाया गया है। तो पहले ये देखते हैं अपर क्लास के घर कैसे होते थे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे 2 कुएँ हैं, एक जो कुआ था वो डॉक के पास था, दूसरा जो है वो अपर टाउन के पास है। तो ये है वो कुआ जिसको पानी स्टोर करने के लिए यूज़ किया जाता था। तो देख सकते हो कि स्टोरेज मैनेजमेंट, वाटर स्टोरेज मैनेजमेंट एंड सूएज मैनेजमेंट उस टाइम पे भी बहुत ही बढ़िया था। तो जो वाटर ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे थे वो, एज यू कैन सी, ये पूरी सिस्टम है इसके लिए बनाई गई है, और ये भी किसी के घर के इंटरनल स्ट्रक्चर का पार्ट है। तो फन फैक्ट नंबर 3 मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जो डॉकयार्ड हमने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था वो 30-60 शिप्स होल्ड करने की कैपेसिटी रखता है, जो अभी के डॉकयार्ड्स कंपेरेटिवली बॉम्बे और विशाखापट्टनम जैसे मॉडर्न टेक्निक्स थ्रू ही बनाए गए हैं। तो अभी हम आ गए 3rd प्लेस पे, जो कि एक फैक्ट्री है, बीट्स मतलब कि मन के बनाने की फैक्ट्री। और यहाँ पे मशीन भी आप देख सकते हो, ये ऐसा बोला जाता है कि मन के बनाने के लिए यूज़ किया जाता। तो ये एक पूरी फैक्ट्री है। अंजलि, तुझे ऐसा लग रहा है कि ये 4000 साल पुरानी जगह है? हाँ लग तो रहा है, मतलब कुछ बचा नहीं है ज़्यादा तो अवशेष ही ऑलमोस्ट, बट एटलीस्ट इन लोगों ने इसको तो एटलीस्ट वो कर रखा है, मतलब प्रिजर्व कर रखा है, ये अच्छी बात है। वो अच्छी बात है, हाँ, मतलब मुझे यही थी। दूसरी चीज़ ये है कि अगेन मैं आपको बोल रहा हूँ, पर यहाँ पे अब आके जब देखता हूँ तब आपको पता चलता है कि 4000 साल पुरानी चीज़ें भी कैसी लगती होगी और कितनी अच्छी तरीके से बनाई होगी कि अभी भी ये काफ़ी सारी ऐसी हालत में है कि हम लोग एक्चुअली देख के अनुमान लगा सकते हैं कि ये चीज़ यहाँ पे होगी। नाउ दिस इज अ लोअर टाउन, ऐसा बोला जाता था कि जो मजदूर है या फिर कारीगर है उन लोगों के लिए ये बनाया गया था, और ये ज़मीन से थोड़ा नीचे था, जो अपर टाउन है वो इतना ऊपर है और ये थोड़ा नीचे है, बट स्ट्रक्चर इसका भी पूरा स्क्वायर वाला ही है जैसा वहाँ पे अपर टाउन में। सो लोअर टाउन के बाजू में ही कब्रिस्तान है यहाँ पे, जैसे कि अभी हम लोग सिटी के एंड में या फिर सिटी के बाहर कब्रिस्तान होते हैं, ऐसे ही उस ज़माने में भी सिटी के एंड में ही कब्रिस्तान बनाते थे।
तो ये जो लोअर टाउन है वो देख सकते हो यहाँ से लेके वहाँ एंड तक है। तो आप समझ ही सकते हो कि अपर जो टाउन वाले लोग हैं वो उनसे ज़्यादा लोअर टाउन वाले लोगों की जो संख्या होगी ज़्यादा होगी, इसीलिए ये जो स्ट्रक्चर है वो उससे बड़ा है। तो गाइस हमने पूरा कवर कर लिया लोथल जो है, पांच पार्ट है, वो पांचों पार्ट आपको दिखा दिए। आई गेस अगर आप यहाँ पे फैमिली के साथ आ रहे हो तो एक से डेढ़ घंटा लगेगा आपको ये पूरा देखने के लिए। म्यूज़ियम अभी बंद है तो म्यूज़ियम का आप पूछ सकते हो ऑनलाइन, मुझे पता नहीं अभी भी कितने टाइम तक वो शुरू हो जाएगा, बट ये जो जगह है ये आप फैमिली के साथ एक दो घंटे में कवर कर सकते हो आराम से। तो आप लोग देख लो कि अगर आपको ऐसी काइंड ऑफ प्लेस एक्सप्लोर करना पसंद है देन यू शुड डेफिनेटली विजिट। या जो स्ट्रक्चर है वो भी काफ़ी अच्छा है, आपको फील देंगे वो पुरानी वाली। सो गाइस दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया देन प्लीज़ हिट द लाइक बटन, अगर आप नए हो तो सब्सक्राइब करें, ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल आइकन ताकि जो नेक्स्ट वीडियो लाए उसके सबसे पहले आपको अपडेट मिले। एंड विल सी यू गाइस इन आवर नेक्स्ट वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।